आज जेरी को हम करेंगे वैक्सीनेट और आज इसे रेबीज की वैक्सीन लगनी है। सिट गुड बॉय। तो आज इसको रेबीज वैक्सीन लगाएंगे हम। रेबीज वैक्सीन इसके लिए जरूरी है, डॉग्स को रेबीज हो जाता है, नहीं तो इधर आओ इधर आओ इधर आओ। डॉग्स को अगर रेबीज हुआ और अगर उसके बाइट किसी ने आपको डॉग बाइट हो गया है तो आपको फिर उसका वैक्सीनेशन जरूर कराना पड़ता है। तो फर्स्ट प्रिवेंशन है कि डॉग को ही रेबीज ना हो, इसलिए हम सबसे पहले आज डॉग को ही रेबीज की वैक्सीन लगाएंगे। तो हम जो आज वैक्सीन लगाने वाले हैं, मैं इसका आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ। ये कार्ड है, एंटी रेबीज वैक्सीन का शेड्यूल है। तो हमने अभी तक ये जेरी को आज की डेट में मैंने इसका स्टिकर लगा दिया है। तो ये डिफेंसर नाम की एक वैक्सीन ब्रांड है जो इसको आज लगने वाली है और ये इसका आज तक का शेड्यूल है। तो हम इसे हमेशा ऑन टाइम वैक्सीनेशन कराते हैं। तो वैक्सीनेशन का आपको पहले बता देते हैं, जब आप कोई भी पपी घर पे लाओ तो सबसे पहले विद इन 3 मंथ्स, तो जब भी कोई आप पपी घर पे लाते हो तो सबसे पहले उसे वैक्सीन लगेगी जब वो 3 मंथ्स का होता है रेबीज के लिए। तो एंटी रेबीज वैक्सीन उसे 3 मंथ्स पे लगानी होती है। आफ्टर दैट हर 1 साल बाद उसे बूस्टर शॉट दिया जाता है ताकि वो उसे वैक्सीनेशन उसका कवर हमेशा रखे, ताकि उसे वैक्सीन हमेशा टाइम पे लगेगी। तो डॉग को ही रेबीज नहीं होगी, और डॉग को नहीं होगी तो आप अपने घर पे और आप अपने आस पड़ोस को सराउंडिंग्स को रेबीज फ्री रख सकोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको वैक्सीन दिखा दी, ये जेरी का कार्ड है और इसमें मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा कि कौन कौन सी और वैक्सीन होती है डॉग के लिए। तो आज हम सिर्फ रेबीज एंटी रेबीज वैक्सीन की बात करेंगे। तो ये है इसकी वैक्सीन। सबसे जरूरी चीज है कि अभी मैंने इसको क्या है कि लोड कर लिया है, तो इसे आपको कोल्ड चेन में मेंटेन करके रखना जरूरी है। अगर आप कोल्ड चेन में टेम्परेचर मेंटेन नहीं करोगे तो ये वैक्सीन खराब हो जाएगी और ये फिर डॉग के लिए नुकसान भी दे सकती है। तो कोल्ड चेन में मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो अब इसको हम लगा लेते हैं। लगाने के लिए क्या करना है, कोई दिक्कत नहीं, इसको ज्यादा दर्द नहीं होता। इसमें सबक्यूटेनियस वैक्सीन देंगे हम इसमें। तो सबक्यूट वैक्सीन देने के लिए ये, जैसे इसे अगर हम थोड़ा आगे ले लेते हैं, यहाँ पे इसके बैक साइड में कहीं भी आप स्किन पे जहां थोड़ा सा आपको स्किन थिक लग रही है तो उसको लेके ये कॉटन स्वैब से थोड़ा सा एकदम दमुंडी ट्रांस पे, ठीक है, कुछ नहीं दबा कर थोड़ा सा इसको वाइप कर लो, दवाई कर लो, दाब लिए मुंडी और दवाई लगा रहे हैं। कोई भी एयर बबल ट्रैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये थोड़ा पिंकिश कलर की होती है। स्किन को फोल्ड आप ऐसे उठाना है ऊपर और उठा के धीरे से 1 2 3 और पुश कर देंगे एक बार। गुड बॉय, राइट, रहा बस, हो गया काम। और जेरी कितना शांत है, देखो बिल्कुल हिला भी नहीं, इसे जैसे पता तक नहीं चला हुआ क्या। छोटी सी सुई लगानी थी इसे। चलो जेरी खड़े हो जाओ, अब तो अब जेरी को ट्रीट दे देंगे। चलो जेरी अब रुको 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 रुको। तो ये था वैक्सीनेशन लगाने का और आज इसका हमने वैक्सीनेशन 4th वैक्सीनेशन कराया है। रेबीज वैक्सीन आज इसकी 4 डोज लग गई है और अब इसे हर साल, साल में एक बार वैक्सीनेशन का बूस्टर हर साल जरूर दें। जिस डेट पे दिया है उसी डेट के आसपास दे दें, 1 वीक आगे पीछे तक चल जाता है। बट वैक्सीनेशन कवर आप जरूर रखो, डॉग सेफ रहेगा तो आप सेफ रहोगे और आपका पेट हमेशा हंसता कूदता रहेगा। और अगली वीडियो में बताऊंगा आपको इसके बाकी वैक्सीनेशन के बारे में। तो ये थी हमारी जेरी को वैक्सीनेशन शेड्यूल। आज रेबीज का वैक्सीन लगाया, ट्रीट दे दिया गया है, ट्रीट दे दी है, ये एंजॉय करेगा अपनी ट्रीट। सो ये थी वीडियो, कैसी लगी वीडियो आपको जरूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।